നമസ്കാരം. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ ലോകത്ത് ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. 11,000 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലഡാക്കിലെ അതിർത്തി പോസ്റ്റായ നിമുവിൽ കരസേന, വ്യോമസേന, IPTPP ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാൾ ഉയരത്തിലാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി സൈനികരോട് പറഞ്ഞു. किसी से भी कम नहीं है. जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बनकर के उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है. आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं. आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं. आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत हैं जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है. आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है. आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं. साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है. सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है. आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है. आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग बलिदान पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है. രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ സൈന്യത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. വീരജവാന്മാരുടെ കരങ്ങളിൽ രാജ്യം സുരക്ഷിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സേനാവുമായി बेहतर समन्वय के लिए लंबे समय से जिसकी आशा थी, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन करने की बात हो या फिर नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण, वन रैंक वन पेंशन का फैसला हो या फिर आपके परिवार की देखरेख से लेकर शिक्षा तक की सही व्यवस्था के लिए लगातार काम देश आज हर स्तर पर अपनी सेनाओं और सैनिकों को मजबूत कर रहा है. साथियों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, साहस का संबंध प्रतिबद्धता से है, कन्विक्शन से है. साहस करुणा है, साहस कंपेशन है. साहस वो है जो हमें निर्भीक
और अड़िग होकर सत्य के पक्ष में खड़े होना सिखाएं। साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की ऊर्जा देता है। साथियों, देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। आपके साथ ही हमारे आईटीबीपी के जवान हो, बीएसएफ के साथी हो, हमारे बीआरओ और दूसरे संगठनों के जवान हो, मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, इंजीनियर हो, श्रमिक हो, आप सभी अद्भुत काम कर रहे हैं। हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर मां भारती की रक्षा के लिए, मां भारती की सेवा में समर्पित है। आज आप सभी की मेहनत से देश अनेक आपदाओं से एक साथ और पूरी दृढ़ता से लड़ रहा है। आप सभी से प्रेरणा लेते हुए हम मिलकर हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। जिस भारत के सामने और हम सबने जिस भारत के सपने को लेकर और विशेष रूप से आप सब सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं, हम उस सपने का भारत बनाने के लिए, आपके सपनों का भारत बनाने के लिए 130 करोड़ देशवासी भी पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं। हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, बना करके ही रहेंगे। और आपसे प्रेरणा जब मिलती है तो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी और ताकतवर हो जाता है। मैं फिर एक बार आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। സ്വയം പര്യാപ്തരാകാനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തിന് സൈന്യം മാതൃകയാണ്. ഗൽവാനിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച എല്ലാ സൈനികർക്കും വീണ്ടും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ദുർബലരായവർക്ക് ഒരിക്കലും സമാധാനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതിന് ധൈര്യം ആവശ്യമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചൈനയ്ക്ക് ശക്തമായ താക്കീത് തന്നെയാണ് അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അദ്ദേഹം തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായി ലഡാക്കിൽ മാസ് എൻട്രി നടത്തിയത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമൈ ന്യൂസ്.